बिछवा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना अध्यक्ष बिछवा विजय वर्मा सिंह चंदेल हमरायों के साथ गश्त पर थे, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि देवगंज मार्ग पर एक ट्रक में हरियाणा प्रांत की शराब भरी है, जो छोटे वाहनों से जगह जगह भेजी जा रही है। सूचना पर विश्वास कर दबिश दी दो मौके पर एक ट्रक और एक ऑल्टो कार बरामद हुई है। ट्रक व ऑल्टो से 310 पेटी हरियाणा प्रांत की अंग्रेजी रॉयल किंग शराब बरामद हुई है। साथ ही तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए लोगों ने अपना नाम शमशेर कश्यप पुत्र ईश्वर निवासी पुरखास थाना गन्नौर सोनीपत, उदयवीर पुत्र हरेश निवासी मानिकपुर भोगाव और मोहन उर्फ मोनू पुत्र बलवीर निवास मोहम्मदाबाद फरुखाबाद बताया है। साथ ही भागे हुए साथियों के नाम संदीप पुत्र राजब बहादुर निवासी सराय लतीफ कुरावली, ओमबीर पुत्र छोटे निवासी विद्या का नगला वेवर बताया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए तीन युवकों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज सुबह 4 बजे घटना है, हन्नुखेड़ा के पास देवगंज गांव पड़ता है। सूचना प्राप्त हुई थी थाना अध्यक्ष विश्वा को कि एक ट्रक है जिसमें से अवैध रूप से अन्य प्रांत से लाई हुई अंग्रेजी शराब उतारी जा रही है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष विश्वा पहुँचे मौके पर, तो वहाँ पर 2-3 गाड़ियों से लोग एक बड़े ट्रक से शराब अनलोड कर रहे थे और गाड़ियों में छोटी गाड़ियों रख रहे थे। उसको देख करके जो 2 गाड़ियाँ भाग गई और एक ट्रक और एक अल्टो गाड़ी पकड़ी गई है। ट्रक में 310 पेटी शराब बरामद हुई है और एक अल्टो पकड़ी गई जिसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वो एक भोगाव रहने वाला, एक मोहम्मदाबाद रहने वाला है और एक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। सर क्या कीमत होगी इसकी? ये करीब इसकी कीमत 30 लाख बताई जा रही है और ये शराब सोनीपत से ले जाना बताया जा रहा है और यहाँ लाकर के लोकल लोग आपस में उतार करके यहाँ सप्लाई करते हैं और उसी क्रम में ये बड़ी रिकवरी हुई। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।